नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी लाई हूँ। मसाला पापड़ की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। आप एक बार इस छोटी मोटी भूख में इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 उड़द के दाल के पापड़ हैं। आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं और जितने लोगों के लिए बनाना है उतने पापड़ ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो 2 पापड़ लेकर और लोहे पे तवा चढ़ा दिया है मैंने गैस पर, और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर मैंने 1 पापड़ डाल दिया है। और कुछ इस तरह से कपड़े की मदद से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से हमें इसको रोस्ट कर लेना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल भी मुड़ेंगे नहीं और अच्छे से हमारे पापड़ रोस्ट हो जाते हैं। गैस का फ्लेम स्लो करके इसको अच्छे से अलट पलट कर रोस्ट करके तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी स्नैक समझ लीजिए दोस्तों, एक एक स्टार्टर है। आप इसे छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं और बहुत ही चटपटी लगती है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ढेर सारी सब्जियों के साथ बना हुआ ये स्नैक बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको देखिए, हम पापड़ को अच्छे से, दोनों पापड़ों को पहले मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। अच्छे से इसको प्रेस करते हुए आप स्लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए, अच्छे से हमारा ये जो पापड़ है रोस्ट हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बन चुका है। अब इसको हम निकाल देते हैं और इसी तरह दूसरे पापड़ को भी हम रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, रेसिपी मेरी पसंद आती हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तभी आप इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप फुल वॉच करने के बाद इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों पापड़ों को बहुत ही अच्छे से स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लिया है और बिल्कुल सीधे आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी मुड़े नहीं हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ पे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी सब्जियाँ कट के रखी हैं, आप जो भी सब्जी इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 खीरा लिया है, इसको बारीक काट कर लिया है, अच्छे से बारीक चॉप कर लीजिए। और इसके साथ साथ 1 टमाटर है, इसके टमाटर के बीज को मैंने निकाल दिया है और टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ साथ 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको भी बारीक कट करके ले लिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसके साथ साथ यहाँ पे आप तीखापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाला है, 1 नींबू का रस चटपटे टेस्ट के लिए, और उसके साथ साथ इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको छोटी मोटी भूख लगी हो ना, आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं। ये स्टार्टर के रूप में होटल रेस्टोरेंट में दिया जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। और इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो तीखा आप इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मत डालिए लाल मिर्च, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाला है। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें हमें, आप चाहें तो इसमें भुजिया नमकीन भी डाल सकते हैं और अनार के दाने भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास फ्रूट्स है तो इसमें डाल दीजिए अनार के दाने और नमकीन भुजिया, जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी ये जो मसाला बनकर तैयार है सब्जियों का, अब हम लेंगे 1 पापड़ और उसके ऊपर हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अच्छे से फैलाकर इस रेसिपी को आप तुरंत बनाकर तुरंत खाएंगे, तभी ज़बरदस्त लगता है। तो इसको अच्छे से हम पहले पूरे पापड़ में स्प्रेड कर देते हैं। ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट में स्टार्टर के रूप में दिया जाता है ये रेसिपी, तो आप एक बार इसको घर पे बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई, इसे हम डेकोरेट कर देते हैं। और उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला की जगह पे आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला से इसको पूरक देते हैं। और इसमें लाल मिर्च भी हम डाल सकते हैं, नमकीन भुजिया डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं, फ्रेश अनार के दाने को छिलकर आप इस पर डाल लीजिए। इसी तरह हम दोनों पापड़ को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आपको शायद आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है, और ढेर सारी सब्जियों से बना ये स्टार्टर आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, हमने दोनों पापड़ों को अच्छे से बना लिया है, मसाला पापड़ हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको भी मैं गार्निश कर देती हूँ। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार सब्जियां डाल सकते हैं और अनार के दाने डाल सकते हैं, नमकीन सेव डाल सकते हैं, इस पर भी चाट मसाला छिड़क देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा मसाला पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टार्टर के रूप में लीजिए या छोटी मोटी भूख में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।